नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है ब्याज का समय अधिमान सिद्धांत या इरविंग फिशर द्वारा प्रतिपादित समय अधिमान सिद्धांत। ब्याज पूंजीपति को पूंजी का जो उधार देते हैं उसके बदले में मूलधन के अतिरिक्त जो प्राप्त होता है वो ब्याज कहलाता है। नौ प्रतिष्ठित सिद्धांत, उधार दे कोष सिद्धांत, ऋण की मांग और ऋण कोष की जो पूर्ति है उस जहां पे उस बिंदु पर मिल जाता है वहां पर ब्याज दर का निर्धारण हो जाता है। ब्याज कींस के आधार पर तरलता अधिमान सिद्धांत है। तरलता अधिमान के कारण ब्याज उत्पन्न होता है और इरविंग फिशर ने कहा कि जो ब्याज है इस पर समय तत्व का प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार से उन्होंने व्याख्या की कि ब्याज मनुष्य की समय पसंदगी के कारण उत्पन्न होता है। मनुष्य भविष्य के सुख की तुलना में वर्तमान सुख को अधिक महत्व देता है। ये मानव की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति का उसका लक्ष्य होता है और तात्कालिक जो वर्तमान सुख है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है भविष्य की तुलना में। समय पसंदगी अधिक होने के कारण ब्याज की दर अधिक होती है तथा समय पसंदगी कम होने के कारण ब्याज दर कम होती है। इरविन फिशर ने ब्याज दर किस क्यों अधिक या कम होती है इसका स्पष्टीकरण किया कि ब्याज समय पसंदगी पर निर्भर करता है और इसका सीधा संबंध समय पसंदगी से है। ब्याज की दर और समय पसंदगी ये सीधा संबंध है। अब समय जो महत्वपूर्ण है इरविंग फिशर के अनुसार ब्याज दर निर्धारण में, तो इसको इस प्रकार से यदि हम समझें कि एक वेतन भोगी जब उसको वेतन मिलता है एक से यदि 30 दिन का जो है एक माह होता है एक मंथ, तो जब एक से 15 तक उसके पास पैसा रहता है और उसकी नगद रखने की इच्छा जो है समय पसंदगी जो है यहां पे कम होती है, तो इस दौर में यदि इस अवधि में उससे यदि उधार लिया जाएगा तो यहां पर ब्याज की दर जो होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है, अभी महीने एक 30 दिन का उसके पास पैसा था 15 दिन के अवधि में, तो इस यहां पर उसकी समय पसंदगी जो है वो कम होगी। किंतु धीरे धीरे इस तरफ इधर जो है इधर यदि ऋण लिया जाएगा तो उसकी ब्याज दर अधिक होगी। क्यों? क्योंकि यहां अवधि जो है इसके पास नगदी कम हो गई है और उसको इस अवधि में अभी उसको भविष्य में जब तक मिलेंगे तब तक उसको अपना दैनिक लेन देन निपटारा करना है और जो प्रिकॉशनरी उसका मोटिव है उसके लिए भी उसका धन रखना, तो इस कारण से इस अवधि में उसकी समय पसंदगी जो है वो अधिक होगी, तो इस वजह से इधर क्या होगा कि ब्याज दर जो है उसकी अधिक होगी। फिर आगे उन्होंने कहा कि समय पसंदगी किन पर निर्भर करती है, तो वो कहा कि उन्होंने आय के आकार पर निर्भर करती है। आय अधिक है तो समय पसंदगी जो है वो कम होगी और यदि आय कम है तो सब समय पसंद मतलब आय कम है तो उसको अपने दैनिक लेन देन और जो प्रकाशनीय मोटिव है उसके लिए धन चाहिए, तो इसलिए उसकी जो समय पसंदगी होगी वो अधिक होगी।
तो यहां पर जिनकी आय कम होती है यदि आप उनसे पैसा लेंगे तो ब्याज की दर जो है वो अधिक होगी, और आय का आकार यदि अधिक बड़ा है तो ब्याज की दर जो है वो कम होगी। फिर आगे उन्होंने कहा कि आय का वितरण यदि समान वितरण, हम जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, एक समान वितरण और दूसरा असमान वितरण। तो जो असमान वितरण है उसमें जो होगा लोगों के पास कम धन होगा, इस कारण से जो समय पसंदगी होगी वो अधिक होगी, तो ब्याज की दर जो है वो अधिक होगी। भविष्य में आय प्राप्ति की निश्चितता, भविष्य में कितनी कब हमें पैसा प्राप्त होगा, तो ये भी निर्भर करता है किस पर, ब्याज की दर पर, और व्यक्ति का स्वभाव व चरित्र। तो इस प्रकार से इरविंग फिशर ने अपने ब्याज निर्धारण के सिद्धांत में स्पष्ट किया कि समय पसंदगी के आधार पर ब्याज की दर निर्भर होती है। मान्यताएं, कुछ इन्होंने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की तरह ही कुछ मान्यताएं हैं कि सभी साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त है, और जो मुद्रा की क्रय शक्ति है वो स्थिर है, और तीसरी मान्यता है कि ऋण लेने वाले और ऋण देने वाले, ऋणदाता और ऋणी, इन दोनों की परिस्थितियां एक समान है। पूर्ण प्रतियोगिता की भी मान्यता एक रही है। तो ये कुछ मान्यताओं पर यह सिद्धांत आधारित है, और इस सिद्धांत की फिर विद्वानों ने आलोचना भी की। तो आलोचना की वही बिंदु है कि इसकी जो मान्यता है वो गलत है, मुद्रा की क्रय शक्ति वो स्थिर नहीं रहती है, और ऋण लेने वाले और ऋण देने वाले, इन दोनों की परिस्थितियां कभी भी समान नहीं होती हैं। असमान परिस्थितियों में ही ऋण लिया जाता है, और इस कारण से ब्याज दरों का निर्धारण में समय तत्व का महत्व होता है। इरविंग फिशर ने स्पष्ट किया कि ब्याज दर के निर्धारण में समय पसंदगी का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार से अपनी आलोचनाओं के बाद भी ये सिद्धांत आधुनिक सिद्धांत के आधार के रूप में कार्य करता है। धन्यवाद।